इंटरव्यू के दौरान मलीहा लोधी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा बान की मून को कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से मुतालिक तमाम सबूत फराहम कर दिए। जनरल बान की मून ने मुजालिम का शिकार अफराद की तस्वीर देखकर अफसुर्दगी का इजहार किया और पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश की। उनका कहना था कि अगले मरहले में अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अराकीन से राबिता करके उन्हें कश्मीर के बारे में सबूत दिए जाएंगे। मलीहा लोधी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां खित्ते में अमन के लिए खतरनाक हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में तन्हा करने की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गयी। पाकिस्तान किसी लफ्जी जंग में नहीं पड़ेगा क्योंकि दो एटमी ताकतों के दरमियान ऐसी बयानबाजी नामुनासिब है। जौहरी प्रोग्राम को रोकने से मुतालिक सवाल पर मलीहा लोधी का कहना था कि कोई भी बंदिश दो तरफा होनी चाहिए। हमारा मौकिफ वाज़ेह है कि पाकिस्तान यकतरफा बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं करेगा।